इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, सबसे पहली बात तो ज़रा ये बताएं, लोग आपको इंजीनियर के नाम से जानते हैं, आप कौन से इंजीनियर हैं? और सुनने में आया कि आप 19वें ग्रेड के अफसर भी रहे हैं, तो एक तरफ आप कहते हैं कि मैं लोअर मिडिल क्लास का था, लोअर मिडिल क्लास से आप डायरेक्ट अफसर कैसे बन गए? और साथ आपको ये भी कहा जाता है कि एजेंसियों ने इस फितने को लॉन्च किया और एजेंसियाँ इसकी बेनिफिशियर हैं, तो ज़रा बता दें कि आप एजेंसी के बंदे भी हैं, 19वां ग्रेड भी है, और बड़ी आसानी से 5-6 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। पहली बात तो ये कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास में जाने का पाकिस्तान में वाहिद जरिया जो है ना जी, वो तालीम है जी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो पावर्टी सर्कल को तोड़ के आपको हायर पोजीशन पे ला सकती है, अदरवाइज तो एक कारोबारी का बच्चा ही कारोबारी होगा, एक आम गरीब आदमी तो ऊपर नहीं आ सकता। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है ऑनर्स के साथ, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से था। उसके बाद जब मेरी जॉब हुई है वहाँ पे भी हज़ारों कैंडिडेट्स थे, तो उस वक्त तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ना मैं एजेंसियों का एजेंट हूँ, तो मैं उनके फिरके से था। मैं कट्टर किस्म का बरेलवी था, इतने कट्टर तो खादम रिजवी साहब बरेलवी नहीं थे जितना मैं था। तो जब मेरी ये जॉब हुई है, सही, और मेरे ख्याल शायद इस पोजिशन में होता तो वो जॉब भी ना होती, क्योंकि फिर तो कई लोग जो हैं वो मेरी फ़िरका वाराना उस चीज़ को देख रहे होते। तो ये तहकीक का मामला तो फिर बहुत बाद में शुरू है ना। मेरी जॉब जो है वो 2002 के अंदर फाइनल मैंने ज्वाइनिंग दी थी, 2001 में मेरी सिलेक्शन हुई थी। कौन से स्केल पे हुई थी? उस वक्त तो 17वें स्केल में थी। ऑफिसर पाकिस्तान में जितने हैं वो 17 स्केल में जाते हैं, डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स, और फिर रेगुलरली प्रमोशन होते हुए मैं 19 ग्रेड तक पहुँचा हूँ। 2014 में मैं 19th ग्रेड में चला गया था, और ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई इससे लेना देना नहीं था, बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो पैरेलल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहने ना कि कुबे नत पे ही तो होता कुब निकल गया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने वो, और वो ऑफिशियली 15 साल की सर्विस के बाद आप ले सकते हैं। लोग तो जाली तरीके से लेते हैं, कोई मेडिकल केस बना लेता है, कोई और चक्करों में ले लेता है। तो मुझे तो चूंकि उन्हें ऑफर की थी, चूंकि मैं एक आप समझ लें टॉप लेवल के ऊपर सर्व कर चुका था, और डॉक्टर समर मुबारक मंद और उनके बाद आने वाले जितने सीनियर हमारे चेयरमैन या डीजीज वो मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं यानी वहां पे ब्रीफिंग वाला काम भी करता था ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर स्पीकिंग पावर की वजह से, तो मुझे सारे जानते थे, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। आज भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और अच्छे तरीके से सिलसिला अपने ऑफिस के सारे कुलीग के साथ जारी है। इसका एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने रिटायरमेंट ली है। और उसके बाद अगर वो कहता है मैं एजेंसियों का बेनिफिशियरी हूँ या एजेंसियां मेरी बेनिफिशियरी हैं, तो मेरे भाई मैं तो एस्टेब्लिशमेंट या फौज का जो किरदार है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या मजहबी जमातों के साथ, मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ रहा हूं, उस वक्त का मुखालिफ हूं जब से ये लोग एजेंसियों को पाल रहे थे, एजेंसी वाले इन मजहबी जमातों को पाल रहे थे, खा वो हाफिज सईद साहब की जमात हो, खा बाद में TLP जिस तरीके से उन्होंने उनको यूज किया। TLP वालों के अपने मकासद तो अच्छे थे जो वो समझते थे, लेकिन जाहिर है कि वो एजेंसियों को भी इस एतबार से ऐसी जमात चाहिए थी, तो दोनों की जब चीजें कंबाइन होगी तो नूर।